सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से हरदोई जिले के तहसील दिलग्राम परिसर में निशुल्क सहायक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे गए। इसमें ट्राईसाइकिल फोल्डिंग व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और 20 बैसाखी चश्मे फोल्डिंग व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत कान की मशीन, व्हीलचेयर कमोड सहित स्मार्ट स्कैन, कृत्रिम अंग एवं कैलिपर सहित आदि सामग्री वितरित की गई। मुख्य अतिथि सांसद अशोक रावत ने कहा कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से दिव्यांगजनों को जीवन का वह हिस्सा मिला है जिससे उनके श्रम और समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन अपने हितलाभ से वंचित न रहें। प्रभारी ने बताया कि इस शिविर में रजिस्ट्रेशन फ्री कराए जा रहे हैं। जो व्यक्ति आपके आसपास दिव्यांग हो उनके रजिस्ट्रेशन कराने और सरकार द्वारा दिए गए सामानों का लाभ लें। आयोजित किए गए परीक्षण शिविर में पात्र पाए गए दिव्यांगजनों को लाभ दिया गया है। इस मौके पर दिव्यांगजनों को 6,02,000 रुपए की लागत के 197 सहायक यंत्र और उपकरण दिए गए। वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एके पाठक ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा सांसद अशोक रावत, एसडीएम बिलग्राम राहुल कश्यप, तहसीलदार बिलग्राम राजीव यादव, दिव्यांग कार्यालय अधिकारी एके पाठक, भाजपा नगर अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, मंडल अध्यक्ष रवि सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजनाथ सिंह, अभय शंकर शुक्ला, भाजपा नेता नवल माहेश्वरी, नंद किशोर गुप्ता, अनिल तिवारी उर्फ चाचू, सीपी सिंह सहित आदि मौजूद रहे। तहसील में कार्यक्रम के आज क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विदर्भ? आज दिव्यांगों को हमने उपकरणों का उपलब्ध कराया है। जो इससे पहले मल्लावा में रजिस्ट्रेशन हुए थे तो आज उनके उपकरण तैयार हो गए थे। ये मुझे एक हफ्ता पहले सूचना आ गई थी तो हमने कहा उनको उपकरण दिया जाएगा, तो वही उपकरण उनको उपलब्ध कराने थे, तो उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। LMCO से भी साथी हैं और हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी भी साथ में, और हमारे साथी पार्टी के भी साथी, सब लोगों ने मिल करके और तहसील में एसडीएम साहब के सहयोग से सारी चीज़ें व्यवस्थित की लोगों को।